अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सरेकी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सना सरेकी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। राजनपुर जैद कलोनी गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं आवाम का एहतजाज, आगाह करेंगे इस रिपोर्ट में डिप्टी ब्यूरो चीफ अब्दुल गफार। जी अब्दुल गफार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरेकी न्यूज़ एचडी, मैं आपका डिप्टी ब्यूरो चीफ अब्दुल गफार। आज हम जैद कलोनी के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि गलियाँ जो है ना तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मोहल्लेदार शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे ये कितने महीनों से ये मसला हो रहा है और कितने क्या क्या मुश्किलात हैं। ये तकरीबन 20 साल से ये मसला चल रहा है। गली हमारी बनी है, उधर जाके ने इस सादिक ने जाके बंद कराई है, फिर हमने इस रकबे के पैसे दिए, बाद में हम बाहर निकले हैं, फिर भी पानी हमारा बाहर नहीं निकलने देता और ना गली बनने देता है ना हमें नाली बनने देता है। ये सादे कौन है? सादे के ये राणा है। क्या काम करता है ये? काम आगे उसका ये मकान है और उसका इधर भाना भी है और इधर बैठकर तवीज फोल देता है। आपने किसी डिप्टी कमिश्नर को या डीसीओ को दरखास्त दी है? नहीं दी। नाजरीन जैसा कि आपने सुना है कि सादिक हमारा पानी यहाँ से नहीं गुजरने देता और काफी मुश्किलात का सामना है। गलियाँ जो है ना वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। एक अंकल हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे क्या मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का ये सामना है भाई, हम अपने अरबाब अख्तियार से गुजारिश करते हैं, हमारे गुजरने की जगह नहीं है, हमारे बच्चे नहीं स्कूल नहीं जा सकते, हमारे कुरान पाक पढ़ने नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। आपसे गुजारिश है डीपीओ साहब, डीसीओ साहब, अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि हमारी ये गली और नालियाँ बनाई जाएँ जल्द अज जल्द, मेहरबानी होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएगा कि खवातीन ने भी एहतजाज किया हुआ है। एक और जो पता कर। हाँ हम लेडीज से पूछेंगे कि क्या मसला है, क्या मसला है? गली नहीं बना लेंगे, सारे छोटे छोटे बाल इन पानी हर वेले अगू खड़े नहीं गड्ढा लेंगे, सारे बाल पानी ढांदे नहीं, गली जेल नाली बंद कर वेंदे, जेले गली दा ना गिंदू हूं वेले केस तोड़ लेंदे। मामलेदारों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस का मुतालबा है कि हमारा मसला जल्द और जल्द हल किया जाए।